नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम एस टेक स्टूडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लाया हूँ और इस वीडियो के अंदर न्यू गाड़ी लाया हूँ, यानी क्रेटा, हुंडई की क्रेटा। क्रेटा ये जो गाड़ी आई है BS6 में लॉन्च कर दी है दोस्तों। और दोस्तों, जो क्रेटा, न्यू क्रेटा आई है, उसका लुक पहले की जो क्रेटा थी उससे बहुत ही अलग कर दी गई है, यानी लुक वाइज पहले से बेटर कर दी गई है और देखने में भी बहुत शानदार लगती है। आप देख ही रहे हो कि इसका लुक कितना शानदार लग रहा है। और आज जो मैं वेरिएंट दिखाने वाला हूँ, ये वैसे कंपनी ने 5 वेरिएंट में लॉन्च की है, EX, S, SX और XX ऑप्शनल। तो ये 5 वेरिएंट के अंदर ये आती है। तो आज मैं S वेरिएंट के बारे में बात करूंगा और इसका बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। और दोस्तों, अब चलते हैं, इसका एक बार मैं साइड व्यू दिखा देता हूं चारों तरफ से कि दिखने में और लुक वाइज में किस तरीके की दिखती है। बहुत शानदार लुक दिख रहा है, रेड कलर देख रहे हो आप। तो दोस्तों, आगे से यदि बात करें लुक की, तो बहुत ही शानदार लग रहा है। इसके आगे ये ग्रिल दी गई है और नीचे की साइड सिल्वर कलर का बम्पर दिया गया है। और आगे की साइड में ये देखो, साइड में ऊपर हेडलाइट दी गई है, हैलोजन हेडलाइट है दोस्तों, यानी प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं। टेल लाइट में LED है। ये नीचे की साइड इंडिकेटर और साइड में फॉग लैंप दिया गया है। और दोस्तों, इसके टायर की बात की जाए, स्टील रिम में दी गई है, अलॉय व्हील नहीं है। लेकिन जो रिम दी गई है, ये थोड़ा डिजाइन अलॉय व्हील टाइप का लगता है दिखने में। इसके ऊपर ये कवर है ब्लैक कलर का। और यदि टायर की बात की जाए, तो 205x65 और रेडियस 16 में दिया गया है। अपोलो कंपनी के इसके अंदर टायर लगे हैं चारों। अब करते हैं दोस्तों इसके इंजन की बात। तो 1.5 लीटर का इसका इंजन दिया गया है, 4 सिलेंडर इंजन है, 113 BHP की पावर देता है, 144 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क जनरेट करता है। और यदि दोस्तों इसकी माइलेज की बात की जाए, तो दोस्तों पेट्रोल के अंदर ये कम से कम 16 के करीब इसका माइलेज बताती है कंपनी, और डीजल के अंदर 21 के करीब इसका माइलेज बताती है। इसके पीछे की लुक की बात की जाए, तो दोस्तों इसके पीछे टेल लाइट LED दी गई है, LED टेल लाइट है, इंडिकेटर दिया गया है। और नीचे बम्पर की बात की जाए दोस्तों, पीछे बैक की, तो इसमें 4 सेंसर दिए गए हैं और पीछे बैक कैमरा भी दिया गया है। और उसकी यदि दोस्तों लेंथ की बात की जाए, तो 4300 mm की इसकी लेंथ दी गई है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों इसको क्या ग्राउंड क्लियरेंस कम से कम 190 के ऊपर ही है। अब ओपन करते हैं बूट स्पेस, देखते हैं दोस्तों। यदि इसके बूट स्पेस की बात की जाए, तो 433 लीटर का इसका बूट स्पेस दिया गया है। और यदि अपन इसके पेट्रोल टैंक की बात करें, तो 50 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक दिया गया है। और दोस्तों, कंपनी ने जितनी भी क्रेटा, न्यू क्रेटा निकाली है, सबके अंदर ABS सिस्टम दिया गया है, डुअल एयरबैग दिए गए हैं,
एलाई व्हील आपको देखने को इससे अपर मॉडल में मिलेगा, एसएक्स में। एसएक्स में सिल्वर कलर के एलाई व्हील मिलेंगे, और सबसे टॉप वेरिएंट यानी एसएक्स ऑप्शनल के अंदर आपको ब्लैक और सिल्वर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा एलाई व्हील के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों पीछे की सीट की तरफ। तो पीछे की सीट की तरफ देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है, यानी एक 6 फीट का बंदा अच्छे से आराम से बैठ सकता है, और इसके बीच में सीट के और इसके बीच में बहुत अच्छा स्पेस है। और पीछे ये एसी वेंट दिए गए हैं, और चार्जिंग के लिए सपोर्टेड दिया गया है। और दोस्तों इसका फीचर्स देखा जाए, एक अच्छा फीचर्स ये निकाला है कि इसमें साइड ग्लास हैं विंडो के अंदर, इसमें एक जाली अलग से दी गई है जिसको आप लगा सकते हो। ये पीछे का लुक है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे से मैं इसका आगे का डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके डैशबोर्ड की क्वालिटी देखा जाए तो दोस्तों चीप क्वालिटी नहीं है, सॉफ्ट है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का डैशबोर्ड दिया गया है। इसमें रूफ नहीं मिलेगी दोस्तों, इससे अपर मॉडल के अंदर रूफ आती है। और इसकी रूफ की बात की जाए तो बहुत मतलब अच्छी दी गई है, फुल ओपन हो जाती है। और इसकी यदि दोस्तों सीट की बात की जाए तो एडजस्टेबल है, आप मैनुअल इसको एडजस्ट कर सकती हो ऊपर नीचे। और दोस्तों ओपन करते हैं फर्स्ट गेट, तो इसके अंदर सारे कंट्रोल दिए गए हैं, आपके साइड मिरर, ये विंडो एडजस्टेबल करने के लिए मिरर को सारे कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे आराम से बोतल रख सकते हो, अच्छा स्पेस है। ये आप स्टीयरिंग देख रहे हो, इसके ऊपर कंट्रोल बटन दिए गए हैं दोनों तरफ। ये इसकी की दी गई है। और इसके अंदर EX मॉडल के अंदर क्या था कि आपको की से स्टार्ट होती थी, इसके अंदर स्टॉप और ऑन का बटन दिया गया है। ये देखो दोस्तों कप होल्डर रखने के लिए, कुछ भी सामान रख सकते हो यहाँ पे। और इधर एक तो चार्जर के लिए सपोर्टेबल सॉकेट दिया गया है, और USB सपोर्ट भी दिया गया है, एक चार्जिंग की, एक अपन पेन ड्राइव लगाने के लिए। ये इसका ग्लव्स बॉक्स है, अच्छा स्पेस दिया गया है, कूल्ड ग्लव्स बॉक्स है दोस्तों। इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो इसकी डिस्प्ले 8 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है। इसके अंदर स्पीकर 6 स्पीकर आते हैं, ये एंड्रॉयड और एप्पल के मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, नेविगेशन वगैरह, GPS, USB सपोर्टेड, ऑक्स केबल सपोर्टेड है। इसके अंदर 6 गियर आते हैं, पेट्रोल या डीजल कोई भी दोस्तों, कोई सा भी वेरिएंट आप ले सकते हो, तो उसमें 6 गियर का ऑप्शन है। ये लाइट के लिए लो बीम ऊपर नीचे करने के लिए बटन दिया गया है, जस्ट इसके पास में स्टार्ट का बटन है। इसका स्टीयरिंग है दोस्तों, इसकी ऊपर नीचे आप कर सकते हो।
और दोस्तों इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी जयपुर के अंदर ऑन रोड प्राइस 15,24,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। ये जो वेरिएंट है दोस्तों वैल्यू में मनी वेरिएंट है, यानी इतने कम प्राइस में अच्छे फीचर्स दे रही है क्रेटा, हुंडई क्रेटा। और दोस्तों मेरा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना, आपसे विनती है। आप लाइक और शेयर नहीं करते हो, आप यदि मेरा वीडियो लाइक और शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आगे और भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।